अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम एहतिशामुल हक है और आपको उसामा ताबी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अपनी बीवी के दिल में अपनी मोहब्बत और फरमाबरदारी पैदा करने के वजीफे के बारे में। अगर आपकी बीवी आपकी जायज़ बात नहीं मानती और ज़िद करती है और छोटी छोटी बात पर आपसे झगड़ा करती है तो यह वजीफ़ा आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जब आप अपने काम से फारग हों तो अपने घर को जाने लगें तो अपने घर जाने से पहले 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, 1 मरतबा सूरत अखलास और 1 मरतबा सूरत फलक और 1 मरतबा सूरत नास पढ़ लें। इसके बाद दुरूद इब्राहिम अवलो आखिर 11 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद सूरतुल फुरकान की आयात नंबर 74 पढ़ लें। रब्बना हब्बना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्यूनी वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। इस आयात में शुरू में जो लफ्ज़ आए वल्लज़ीना यकूलूना, ये नहीं पढ़ना, रब्बाना से पढ़ने। इसका बहुत ही खूबसूरत तर्जमा है, ऐ हमारे रब, आप हमारे लिए हमारी बीवियों और औलाद को आँखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इसके बाद 21 मरतबा अल्लाह पाक का सिफाती नाम या वदूदू पढ़ लें। या वदूदू का मतलब है आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। इसके अलावा यही वजीफ़ा पढ़ कर पीने के पानी पर दम कर लें, ये पानी खुद भी पिए और अपनी बीवी को भी पिलाएं। इसके अलावा आप अपने घर कोई खाने पीने की चीज़ लेकर जा रहे हों तो उस खाने पीने की चीज़ पर भी ये वजीफ़ा दम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना अहलाक और रवैया भी अच्छा रखें और नमाज की पाबंदी करें और हराम अमूर से बचिए। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके घर में सुकून हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।